subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गब्बर सिंह, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज तो सच में मजा आ गया है, आनंद आ गया। तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और उससे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, वही गुजारिश बार बार के, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन देते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो ये जो लोग है ना, ये चंडाल चौकड़ी, तो ये सब इसी के ही हकदार है। और बच्चों के साथ आद्या बैठी है, कैसा वो फर्स्ट क्लास सीन था, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बा अपनी सारी चंडाल चौकड़ी के साथ, बा अपनी जो है लायक बेटी बा के हिसाब से पाखी और किंजल के साथ आती है और बातें करती है कि देखो कैसे बच्चों को बस में कर लिया, कैसे चीजें कर लिया है। और ये सब चीजें आध्या के कान में पड़ जाती है और आध्या कहती है कि भैया मुझसे, मुझे तेज सुनता है, यहां पे आके बात करो ना, जो करनी है सामने मुंह पे करो। फिर वो बहसबाजी होती है तो फ्रस्ट्रेशन में, खुन्नस में, क्योंकि वो आध्या ने वो जो है ब्रेसलेट सा, जो क्या कहते हैं उसको, वो भी इतना प्यारा इतना सुंदर बना दिया, तो पाखी से ये बर्दाश्त नहीं होता तो पाखी उसको तोड़ देती है। फिर आध्या ही क्या हुई या राही क्या हुई जिसने उसका जवाब नहीं दिया दोस्तों, तो राही फिर तुरंत एक्शन लेती है और साथ में पाखी का जो पेंट किया हुआ बांस तोड़ देती है, ईंट का जवाब पत्थर से। और फिर गुजराती में उसको कहती है कि भैया ऐसे कम करके मत आंकना। यहां पे बीच में ईशानी जो चुप बैठी है वो भी टांग अड़ाती है और वो भी करने की कोशिश करती, करे आप तो यूएस में रहे हो, आप ये करके एक और थप्पड़ मारती है पाखी और इनके बा के सबके संस्कारों पे, ये कह के कि मैं भैया गुजरात में भी रही हूं, अहमदाबाद में, और मैं गुजराती हूं, गुजराती होके गुजराती बोलने में मुझे शर्म नहीं है। और ये दोस्तों उन सबके लिए सबक है जो कि अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं और सिर्फ उनको लगता है कि इंग्लिश बोल के या कुछ चीजें करके, हाउ फाउ करके ही उनका स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। अपनी भाषा से प्रेम करना बहुत जरूरी है। यहां पे राही ने ये भी बता दिया और फिर उसके बाद भैया वार्निंग देने के बाद भी बा नहीं समझी, उसने पहले वार्निंग दे दी कि भाई मेरे से पंगा मत लेना, और वो बच्चों को बहुत प्यार से उसने समझा दिया कि भाई तुम दूर रहो, तुम क्यों इनके पचड़े में पड़ते हो, इसके लिए मैं अकेली रह लूंगी, तुम क्यों सजा भुगतते हो। और उनको भी कह दिया ताना मार के कि भैया इनको बक्से में बंद कर लो, चाबी फेंक दो, क्योंकि ये बेचारे कहीं पे जा ना सके। पेरेंटिंग में, पेरेंटिंग के ऊपर भी उसने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दर्द अंदर छुपा है ना। तो जाते जाते जब बा ने उसको बर्बादी का, तब उसने दिखा दिया कि बर्बादी होती क्या है, सब कुछ तोड़ फाड़ के, क्योंकि ये जो शाह परिवार वाले हैं दोस्तों, ये सीधी भाषा कभी नहीं समझते हैं। सीधी भाषा समझते तो अनुपमा की सीधी भाषाएं कब के समझ जाते। तो जब बा ने हराम का खाने का कहा ना कि तू खून का रिश्ता नहीं है, तब भी उसका भी जवाब दिया कि भैया तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है, इतने सालों से उसके टुकड़ों पे अनुपमा के पल रही हो, ये घर भी दिला दिया, तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है लीला बहन। और आगे इसी तरीके से आध्याय इन सब का मुंह तोड़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। यही हम चाहते थे कि इस राही का, इस आध्याय की इस घर में एंट्री के बाद ऐसा बवाल हो, ऐसा कमाल की चीजें हो, ये शाह परिवार वाले की जो कुत्ते की दुम है ना, ये कहीं ना कहीं सीधी हो जाए। तो आप इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.